런니 언니 따뜻한 남자친구 집대 잘 봐요. चौथी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून रिक्रूट कैप्टन रोशन लामिसाले छेत्री। पांचवी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून रिक्रूट कैप्टन मिलन गुरु। छठी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून रिक्रूट कैप्टन मुनेन्द्र भंडारी और परेड के एडजुटेंट की कमान संभाल रहे हैं रिक्रूट एडजुटेंट कैप्टन ऋषि खड़का। परेड को आकर्षक और मनमोहक बनाने के लिए हमारे सेंटर का पाइप बैंड अपनी सुरीली धुनों से परेड की भव्यता में चार चांद लगाएगा। हमारा यह बैंड राष्ट्रीय पर्वों पर आयोजित भव्य एवं शानदार परेड में अपने उच्च कोटि के प्रदर्शन का परिचय हमेशा देता रहा है। पाइप बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार कमल भुजेल। इस शुभ अवसर पर परेड की हुकुम सिंह बैंसला सेना मेडल कमांडेंट 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र लेंगे। तत्पश्चात वे विभिन्न क्षेत्रों में प्रवीणता प्राप्त जवानों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि जब राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने से गुजरता है तब कृपया खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। मुख्य अतिथि द्वारा परेड संबोधन के बाद ये सभी सैनिक धीरे चल रहे मन से गुजरते हुए युद्ध स्मारक के दाहिने व बाएं पंक्तिबद्ध खड़े होंगे और अपना प्रथम सैल्यूट युद्ध स्मारक पर अमर शहीदों को देंगे। मुख्य अतिथि युद्ध स्मारक पर अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तत्पश्चात परेड का समापन होगा। राइफलमैन बनने के बाद इनका प्रमुख हथियार है, जैसे हिंदी में एक कहावत है, खौफ से कांपती हैं आज भी वो वादियां, खौफ से कांपती हैं आज भी वो वादियां, जहां जहां चमकी थी गोरखा वीरों की खुकरियां।
कुकरी एवं गोरखा एक सिक्के के दो पहलू हैं। कुकरी गोरखा जाति का एक परंपरागत हथियार है। विश्व भर की आधुनिक सेनाओं में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जो अपने परंपरागत हथियार को युद्ध एवं सेरेमोनियल परेड में रखते हो। कुकरी एक ऐसा हथियार है जो यूनिफॉर्म का एक हिस्सा है। 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात प्रत्येक जवान देश के प्रति वफादारी का शपथ ग्रहण करता है और साथ ही उसे कुकरी प्रदान की जाती है जो कि उसे गर्व का एहसास कराती है। कुकरी यह एहसास कराती है कि मैं देश और पलटन के प्रति हमेशा वफादार रहूंगा। देश के संकट के समय दुश्मनों में भय पैदा करने एवं उनके सर को कलम करने में गोरखा जवान इस हथियार को बखूबी प्रयोग करता है। मुठभेड़ की लड़ाई में गोरखा सैनिक इसे कुशलता के साथ प्रयोग करता है जो विश्व के सभी सैनिकों को मालूम है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की एवं द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सैनिक इस छोटे कद के गोरखा और छोटी सी कुकरी से सबसे ज्यादा भयभीत थे। दशहरा के समय गोरखा इसकी 9 दिनों तक पूजा करते हैं एवं 9वें दिन ही इस कुकरी से माँ दुर्गा को पूजा स्वरूप बलिदान चढ़ाते हैं। What is the name of the team? I think I'm I'm going to go to the line.
तो आइए इस अवसर पर 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र तीसरी एवं नवी गोरखा राइफल्स के बारे में संक्षेप में जिक्र करें। 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र का इतिहास सन 1952 से पहले तीसरी और नवी गोरखा राइफल्स के अलग अलग प्रशिक्षण केंद्र थे। 1 अक्टूबर 1952 में दोनों प्रशिक्षण केंद्रों को मिलाकर 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना देहरादून Thank you.
अभी इन युवाओं ने धर्म ग्रंथ गीता पर हाथ रखकर कसम खाया ताकि युद्ध में इन्हें मनोशक्ति प्राप्त हो, जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में निराश अर्जुन को शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की, जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्मण्यवादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात कर्म ही धर्म है, कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, न कि फल की प्राप्ति में। अतः हमें निस्वार्थ भावना से कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म अनुसार ही फल की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर हुकुम सिंह बैंसला सेना मेडल से अनुरोध करता हूं कि प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवीणता प्राप्त होनहार जवानों को पुरस्कार प्रदान कर उनका हौसला अफजाई करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। बर्थ इन प्रैक्टिस यंग राइफलमैन राजकुमार कार्की। Thank you.
राइफलमैन सुरेश थापा। सेकेंड ऑलराउंड बेस्ट का जनरल एम के लहरी मेडल यंग राइफलमैन मिलन गुरुंग। ऑलराउंड बेस्ट गौरव तलवार यंग राइफलमैन नीरज गुरुंग। अभी ये नवोदित जवान उच्च मनोबल के साथ धीरे चाल में आगे बढ़ रहे हैं। यह एक अद्भुत दृश्य है। अंत में सभी नवोदित जवान वार मेमोरियल के दाएं बाएं की ओर पंक्तिबद्ध रूप में खड़े हो जाएंगे और अपना प्रथम सैल्यूट युद्ध स्मारक में अमर शहीदों को देंगे। इसके बाद शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। पहले इन्हीं कसम खाएर राइफलमैन बनी सकेका छन्। केही दिन पछि इन जवानहरू आफ्नो बटालियनमा पोस्टिङ गरेर देशको सेवामा तत्पर हुनेछन्। यहाँ यिनीहरूको पूर्ण सैनिक जीवन आरम्भ भइहाल्नेछ। यिनी बहादुर जवानहरूको मनोबल हेरेर यस्तो प्रतीत हुँदैछ कि यिनीहरूले देशको प्रति पूर्ण वफादारी र इमान्दारीको परिचय दिनेछन् तथा आफ्नो सम्पूर्ण शारीरिक र बौद्धिक शक्तिको प्रयोग गर्दै देशको नाम उज्जवल गर्नेछन्। इन जवानों के लिए यह एक अनमोल दिवस है। इस समय इनका उत्साह देखते ही बनता है। यह इनके कई महीनों के अभ्यास का परिणाम है। यहाँ पर आए हुए सभी बच्चे बुजुर्ग और जवान हर्ष और उल्लास के साथ इस मनमोहक दृश्य का आनंद उठा रहे हैं। इन जवानों के माता पिता इस दृश्य को देखकर गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे। पाइप बैंड की मधुर स्वर लहरियों की ध्वनि बड़ी ही मंत्रमुग्ध करने वाली सिद्ध हो रही है, जो कि ओल्ड सॉन्ग पर आधारित है। इस दृश्य को शब्दों में अभिव्यक्त करना कठिन है। कठिन प्रशिक्षण के दौरान बहाया गया पसीना ही युद्ध में रक्त बचाने के लिए इन सैनिकों का मनोबल बढ़ाता है। धन्य है वो वीर बलिदानी जिन्होंने देश की सुरक्षा के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके फलस्वरूप आज हम आजादी के वातावरण में सुकून की सांस ले रहे हैं।
धीरे चाल में चलते हुए ये जवान ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे हम किसी भव्य परेड का नजारा ले रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन से यह महसूस होता है कि इनका प्रशिक्षण भी आला दर्जे का रहा होगा। इन जवानों ने विगत 42 सप्ताहों में यहाँ के